नमस्कार मित्रों, फैक्ट्स सीरीज में आपका स्वागत है। आपने कई बार जहाज या क्रूज से समुद्र का सफर किया होगा, पर क्या आपने कभी ट्रेन से समुद्र और बादलों के बीच का सफर किया है? अगर नहीं, तो आज हम आपको इस वीडियो में पानी पर तैरने वाली ट्रेन और बादलों के ऊपर चलने वाली ट्रेन का सफर कराएंगे और ऐसे रेलवे रूट को दिखाएंगे जो आपके होश उड़ा देगा। तो दिल थाम कर देखिए पूरा वीडियो। अगर आप हमारे चैनल फैक्ट्स सीरीज को सब्सक्राइब करके बाजू वाले घंटे को दबा लेते हैं तो मैं ऐसे झूम कर नाचूंगा। ट्रेन अलेस न्यूब्स अर्जेंटीना, ये एक टूरिस्ट ट्रेन भी है जिसे ट्रेन ऑफ क्लाउड भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप इस ट्रेन में सफर करते हैं तब आप बादलों के ऊपर होते हैं। ये ट्रेन एंड्स पर्वतमाला में है। इस ट्रेन से आप उत्तर पश्चिमी अर्जेंटीना से चिली तक का सफर कर सकते हैं। 1948 में लगभग 27 साल में बना अरे तिरसी ट्रैक पर 21 सुरंगें, 19 ब्रिज हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार और रोमांचकारी बनाते हैं। 4220 मीटर की ऊंचाई पर ट्रैक बनाना इंजीनियर के लिए बड़ी चुनौती था। शायद आप सोच रहे होंगे कि हमारे देश में ऐसा रोमांचकारी रेलवे ट्रैक नहीं है जिसमें हम रोमांच भरा सफर कर सकें। तो हम आपको बता दें, भारत में एक शानदार रेलवे ट्रैक है जो आपको एक रोलर कोस्टर राइड के जैसे मजे दे सकता है। हम बात कर रहे हैं चेन्नई से रामेश्वरम चलने वाली ट्रेन की। इस रेलवे ट्रैक पर एक ब्रिज भी है जिसे जहाज के आने जाने के लिए खोला भी जा सकता है। इस ब्रिज को 1914 में अंग्रेजों ने बनवाया था। अगर आपको श्रीलंका जाना हो तो हवाई जहाज से जाना बहुत खर्चीला हो सकता है। अगर आप कम पैसों में पूरे रोमांच के साथ श्रीलंका पहुंचना चाहते हैं और वो भी समुद्र के रास्ते से, तो आप ट्रेन से श्रीलंका जा सकते हैं। एक बार ये ट्रेन भारत से श्रीलंका की ओर जाती है और दूसरी बार ये ट्रेन श्रीलंका से भारत की ओर आती है। इस ट्रेन की धीमी गति का कारण ये है कि अगर रफ्तार तेज हो तो इस ट्रेन का बैलेंस बिगड़ सकता है और ये ट्रेन पानी में गिर सकती है। इस रेलवे लाइन पर एक ब्रिज बनाया गया है। ये पुल इतना खतरनाक है कि यहाँ पर सेल्फी लेने की भी मनाही है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से आप इस पुल से गिर सकते हैं। जब पानी का स्तर बढ़ता है तो ये पुल पानी में समा जाता है और पटरियाँ नजर नहीं आती हैं। इससे ये पुल और भी खतरनाक हो जाता है। रात में इस पुल की हालत और भी गई गुजरी हो जाती है। रात में इस पुल की पटरियाँ मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि ये ट्रेन एक जहाज की तरह पानी पर चल रही हो। इंडिया से श्रीलंका तक का ये रास्ता खतरों और रोमांच से भरा हुआ है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इन रोमांचकारी ट्रेनों का सफर, हमें कमेंट्स पर जरूर बताइए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले घंटी वाले चिन्ह को एक बार जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।